नाज़रीन आदाब, सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये हमारा प्रोग्राम मुसलसल बीमारियों के सिलसिले से चल रहा है और हम आपको हर बार एक नए स्पेशलिस्ट, एक नए डॉक्टर के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और आपको बताते हैं एक नई बीमारी के सिलसिले से। नाज़रीन, इसके पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अस्थमा किसे कहते हैं और अस्थमा होने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक उसी तरह से आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले से कि आखिर टीबी का रोग बहुत बड़ा रोग है और टीबी से न जाने कितने ही लोगों की रोज़ मृत्यु हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो हमें बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले से। हम आपको बता दें, डॉक्टर साहब एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, मेडिकल एजुकेशन के, और साथ ही साथ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन के, और आप एक्स डायरेक्टर हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई, और एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं पल्मोनरी मेडिसिन के KGUMU में। ठीक उसी तरीके से आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की और इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप हमारे सामने मौजूद हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमें मौका मिला आपसे दोबारा बात करने का। ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि टीबी का रोग बहुत ही ख़तरनाक भी है और इतना ख़तरनाक भी नहीं जितना लोग समझते हैं, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में खबर आती है कि फला फला की ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से मौत हो गई। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि आखिर ट्यूबरक्लोसिस है क्या चीज़। देखिए, टीबी एक सैकड़ों साल पुरानी बीमारी है, बहुत साल पुरानी बीमारी है, और पहले तो टीबी के बारे में पता ही नहीं था ये क्यों होता है। जी, तो जब पता नहीं था तो तरह तरह की भ्रांतियाँ भी थी। कोई कहते थे कि राजा नाखुश हो गया तो साहब टीबी हो गई, खान पीन नहीं सही हुआ तो टीबी हो गई, बहुत सी भ्रांतियाँ थी। लेकिन 1882 में रॉबर्ट कॉक्स ने टीबी के जो बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। अच्छा। और इसका बैक्टीरिया का जो आविष्कार है वो 1882 में रॉबर्ट कॉक्स के नाम से, इसे कॉक्स बेसिलस भी कहते हैं। अच्छा। जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अच्छा। यानी इन्फेक्टिव डिजीज़ है, जिसके अंदर शरीर में ये बैक्टीरिया जाता है जी। और बैक्टीरिया जाके बाद जब उनकी इम्यूनिटी किसी तरह से डाउन होती है जी। तो टीबी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया, हमारे देश में अगर देखा जाए तो टीबी 50% हमारे देश की जनता टीबी के कीटाणु से इन्फेक्टेड है। अच्छा। जब मैं इन्फेक्टेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ इन्फेक्शन है उनके शरीर में जी। डिजीज़ जो है सिर्फ 2% लोगों को होती है। कहने का मतलब, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ से ज़्यादा है तो समझिए कि 60 करोड़ लोग टीबी के बैक्टीरिया से का इन्फेक्शन उसके अंदर है जी। लेकिन बीमारी सिर्फ लगभग 2% लोगों को है। तो यानी इन्फेक्टेड आदमी को बीमारी होती है जी। और इन्फेक्टेड आदमी को बीमारी तब होती है जब उस इंसान का जो रेजिस्टेंस पावर है, जो इम्यूनिटी है जी। वो किसी तरह से डाउन हो जाए, किसी तरह से कम हो जाए। अच्छा। आपने सुना है HIV टीबी। HIV में क्या होता है? HIV में उस इंसान का जो है प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जिससे कि टीबी का बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर, मैंने कहा 50% लोगों के अंदर है, वो सुस्त बैठा हुआ है, वो प्रोग्रेस करने लगता है और टीबी की बीमारी होने लगती है। अच्छा। तो टीबी में अब कोई भ्रांति नहीं है, ये बड़ा क्लियर है कि टीबी की बीमारी एक बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसकी वजह से होती है। डॉक्टर साहब, जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो ये बॉडी के किस किस पार्ट में होती है? देखिए, टीबी तो वैसे शरीर के किसी अंग में भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जहाँ टीबी, जो टीबी हम लोग जिसको जानते हैं कि टीबी का, जब भी टीबी का नाम आता है तो लोग उसको खांसी से लिंक करते हैं जी। आपने टीवी में देखा होगा, आपने रेडियो पर सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी को
आपने सुना होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी हो सकती है। इसके मतलब टीबी का ज़्यादा लिंक खांसी से किया जाता है जी। तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि टीबी तो किसी भी अंग में हो सकती, लेकिन सबसे जो कॉमन बीमारी जहाँ होती है उसे हम फेफड़े की टीबी कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए खांसी के संग इसका लिंक बहुत ज़्यादा है जी। टीबी फेफड़े में सबसे ज़्यादा होती है, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद टीबी पेट में भी हो सकती है। आपने देखा गिल्टी, बहुत लोगों की गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं, गले में कहीं भी गिल्टी बढ़ सकती है। गिल्टियों में भी टीबी बड़ा कॉमन है। फिर हड्डियों में टीबी हो सकती है। फिर दिमाग के अंदर आपने सुना होगा कि ब्रेन में टीबी हो गई, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो गई। तो ये सब कॉमन आर्गन हैं, लेकिन ऐसे मैं कहूँ कि कहाँ कहाँ टीबी आँख की भी हो सकती है। टीबी आप ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ आप कह सकते हैं कि टीबी नहीं हो सकती है, लेकिन फेफड़ा, बोन, ग्लैंड, पेट, ये सब, या फीमेल्स के अंदर जो जेनिटोरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी टीबी की मात्र टीबी की होने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, टीबी का निदान कैसे किया जाता है? देखिए, टीबी का निदान, जैसे मैंने कहा, कोई चीज़ के निदान के लिए पहले आपको सस्पेक्ट करना पड़ता है। अच्छा भाई, कोई चीज़ आप डायग्नोसिस तो तभी बनाएंगे जब कुछ सस्पिशन होगा उस चीज़। बिल्कुल सही कहा। टीबी सस्पेक्ट किसे कहते हैं? अब आजकल सस्पेक्ट वर्ड भी हटा दिया गया है, क्योंकि सस्पेक्ट वर्ड को लोग बड़ा ही गलत निगाहों से देखते हैं। सस्पेक्ट मतलब ना को लोग क्रिमिनल या इस तरह की बात है। तो पहले जिसे हम टीबी सस्पेक्ट कहते थे, अब उसको प्रिजम्प्टिव केस ऑफ टीबी कहते हैं। अच्छा। प्रिजम्प्टिव मीन्स जिसमें टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्रिजम्प्टिव केस ऑफ टीबी का क्या डेफिनेशन हो सकता है? टीबी, जैसे मैंने कहा कि टीबी के कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं जी। जैसे आपने सुना होगा कि भूख कम लग रही है, बुखार आने लगा है, वजन कम होने लगता है, सुस्ती आने लगती है। तो ये जनरल सिम्टम है टीबी के। टीबी किसी भी अंग में होगा तो इस तरह के सिम्टम सबको शुरुआत में होंगे। अच्छा, एक तो जनरल सिम्टम हो गया, दूसरा सिम्टम किस अंग में टीबी हुई है जी। जैसे मैंने अभी खांसी का आपको बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही तो टीबी हो सकती, यानी जब फेफड़े की टीबी होती जो सबसे कॉमन है तो उसमें खांसी आती है, बुखार तो उसको आना है, बलगम आने लगता है, मुंह से खून आने लगता है, तो ये सांस फूलने लगती है अगर बाद में टीबी बहुत पुरानी हो गई। तो ये इस तरह से हम फेफड़े की टीबी की सस्पेक्ट या प्रिजम्प्टिव डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया गिल्टियों की टीबी बहुत कॉमन होती है जी। तो गिल्टियों में क्या होता है, मरीज आता है बताता साहब मेरे को ये गिल्टी बढ़ गई है जी। तो गिल्टी बढ़ गई है तो गिल्टियों में टीबी। पेट में टीबी होगा तो उसके पेट के सिम्टम्स होंगे। अच्छा। वो तो बुखार, भूख कम लगना, वजन कम होने लगना, वो तो सब मरीजों को होगा, लेकिन पेट की टीबी है तो पेट में दर्द हो सकता है, पेट में डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मान लिया किसी को बोन की टीबी हुई जी। तो बोन की टीबी में उसके जहाँ भी बोन का हो रहा है, स्पाइंस में होता है, जोड़ों में बोन की टीबी हो सकती है। इसके मतलब उन इलाकों में, उन जगहों पर लोगों को पेन होता है, स्वेलिंग आ सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब, एक टीबी के जनरल सिम्टम्स होते हैं और एक टीबी का लोकल सिम्टम। तो जैसे मैं कह रहा था कि टीबी को सबसे पहले सस्पेक्ट करना पड़ता है। अब सस्पेक्ट वर्ड को प्रिजम्प्टिव वर्ड से चेंज कर दिया WHO ने जी। तो सिम्टम्स से हमें पता लगाते हैं, उसके बाद अब उसकी डायग्नोसिस निदान कैसे की जाती है। अब जैसे फेफड़े की टीबी है तो आपने सुना होगा, सब लोग रोज टीवी पर इसका भी आता है कि अगर 2 हफ्ते से खांसी आ रही है तो अपने बलगम की जाँच कराएं। यानी बलगम की, सिंपल बलगम की जाँच से फेफड़े की टीबी की जानकारी हो सकती है। वैसे फेफड़े की टीबी की जानकारी एक्सरे, सीने के एक्सरे से भी हो जाती है जी। फिर अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है, नहीं है, मॉन्टूस टेस्ट है लेकिन उसमें डायग्नोसिस नहीं, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो उसको भी कभी कभी हम लोग सहायता करते हैं। अच्छा। और जैसे एक्सरे तो जिस अंग का जहाँ पर भी हुआ, जैसे किसी को बोन में टीबी हुई तो बोन का एक्सरे हम कराते हैं। अच्छा। CT भी कराते हैं, MRI भी करा सकते हैं। अच्छा। गिल्टी के अंदर जैसे हुई, या अंग में कहीं भी गिल्टी के अंदर टीबी का हमें अगर कुछ सस्पेक्ट हो रहा है जी।
कुछ जाहिर हो रहा है कि ये गिल्टी टीबी की वजह से हो, गिल्टी बढ़ने के बहुत से कारण हैं, टीबी उसमें से हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है। तो क्या करते हैं हम, टीबी की गिल्टी से एक बूंद सुई डाल करके वहाँ से एक बूंद ब्लड निकाल लेते हैं। अच्छा। उसी गिल्टियों से। अच्छा। जिसे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा। यानी हम एक बूंद ब्लड निकाल के और माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखा जाता है कि अगर टीबी जैसी साइटोलॉजी आ रहे हैं, कुछ सेल्स ऐसे दिखते हैं जिसे हम क्लियर होता है ये टीबी की वजह से, तो उसकी डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो डायग्नोसिस टीबी का, खासकर पल्मोनरी टीबी का, लंग्स की टीबी का, ग्लैंड की टीबी का बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा। लेकिन दूसरा साइड जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे कि जैसे कि आपके बोन्स में है, एब्डोमेन में है, तो कभी कभी इसमें मुश्किलाहट आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। अच्छा। एक टीबी का एक रूप और आपने सुना होगा, लोगों को फेफड़े में पानी आ जाता है जी, तो पानी आने के भी बहुत से कारण हैं, लेकिन टीबी उसमें एक प्रमुख है। अच्छा। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी थोड़ा सा निकाल लेते हैं और पानी की जाँच से फिर टीबी की डायग्नोसिस कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इलाज की बात आती है जी, ये ट्यूबरक्लोसिस का हम इलाज किस तरह से करें, तो क्या कहती है मेडिकल? देखिए, इलाज के पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि लोग टीबी से बहुत डरते हैं जी। यानी कभी कभी हमसे तो कैंसर का रोगी भी पूछता है कि साहब मुझे टीबी तो नहीं हो गई, यानी उसको कैंसर है जी, और उसको ये इनके माने टीबी के संबंध में बहुत सी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, बिल्कुल स्टिग्मा जिसे कहते हैं। लेकिन टीबी इलाज बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि टीबी का रोगी 100% ठीक होने वाला रोग है, सबसे खुशी अच्छा। की बात है। अच्छा। 100% ठीक हो सकता है। अच्छा। बसरते दो चीज़ें उसमें हम कहते हैं हमेशा, एक तो जो उसको जो दवाएं हैं वो सही से प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, सही डॉक्टर के पास जाके सही दवाई लिखवा लें। दवाई लिखवाने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, दवाई का सेवन भी रेगुलर करना है। अच्छा। तो दवाई अगर ठीक से लिख दी गई पर्चा और दवाई का सेवन जैसा डॉक्टर ने बताया, आपने सुना होगा टीबी का इलाज 6 महीने से कम का नहीं है जी, लोग 2 महीने 3 महीने में जैसे तकलीफ दूर हुई तो दवाएं छोड़ देते हैं, फिर उनमें टीबी बहुत भयंकर रूप से बाद में आता है। तो टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने का। अच्छा। खासकर अगर नई टीबी है, पहली बार टीबी का डायग्नोस हुआ है, तो 6 महीने से कम का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। इसमें हम 3-4 दवाएं एक साथ देते हैं, और पहले शुरू के 2 महीनों में ज़्यादा 4 दवाएं दी जाती हैं, और उसके बाद के 4 महीने में 2 या 3 दवाएं दी जाती हैं, और 6 महीने के अंत में काफ़ी हद तक टीबी का इलाज, मोस्ट ऑफ द टीबी अगर नई है तो इलाज हो जाता है। लेकिन शर्तें यही है कि दवा का डोज सही होना चाहिए, दवा का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ ड्रग्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है वो दवाओं का सेवन रेगुलर होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो आज मैं कह सकता हूँ 40 साल से हम लोग भी टीबी का इलाज कर रहे हैं, इस सिस्टम में हैं, तो टीबी के लाखों मरीज हम लोगों ने ठीक किए, बशर्ते ये दोनों चीज़ें उसमें हो जाए। बिल्कुल सही कहा, सही डायग्नोस, सही तरीक़ा दवा का होगा तो पेशेंट जल्दी सही हो सकता है, जैसा कि बकौल आपके ज़रिए लाखों लोगों को आपने अभी तक सही किया ट्यूबरक्लोसिस से। डॉक्टर साहब, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के रोकथाम का तरीका क्या है? 100% इलाज होने वाला रोग है जी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है पूरे वर्ल्ड में 2014 में 15 लाख लोग टीबी से मर गए। ओहो। और इन 15 लाख में से 3 लाख तो सिर्फ हिंदुस्तान में मर गए। इसके मतलब आप ये समझ में आ गया होगा कि डिजीज तो 100% क्योरेबल है जी, लेकिन लोग मर क्यों रहे? मरने का मुख्य कारण अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो यही मुख्य कारण है कि मैंने कहा ठीक होने का क्या चाहिए, अच्छी दवा चाहिए, दवा का रेगुलर सेवन चाहिए, और इसका उल्टा जब होगा तो मरीज मरेंगे। इसी कारण से कभी कभी लोगों को दवाई ठीक से नहीं मिल पाती, कभी कभी डॉक्टर लोग भी कुछ गलतियां कर लेते हैं, और कभी कभी मरीज लोग खुद, जैसे कि उनको लगा कि 1-2 महीने के बाद तकलीफ, दवाई 1-2 महीने जैसे जाती है, टीबी के रोगियों की तकलीफ बहुत कम हो जाती है, तो मरीज समझता है अब दवाई क्यों खाना, लेकिन दवाई मैंने बताया
कि 6 महीने से कम की दवाई किसी भी प्रकार के टीबी की नहीं है। तो मृत्यु का कारण यही है कि दवाई को ठीक से नहीं खाना, छोड़ छोड़ के खाना। बिल्कुल सही। और छोड़ छोड़ के खाने से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, अभी हम थोड़ी देर में आपको बात बताएंगे कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है जिसकी वजह से इसका इलाज बहुत महंगा है, बहुत लंबा है, बहुत से लोग इलाज करा भी नहीं पाते, दवाएं भी बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत से लोग दवा बीच में छोड़नी पड़ जाती है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में ही हमारे 2014 में 2.5 से 3 लाख मरीज पिछले साल मर गए। बेशक, बिल्कुल सही है आपने कहा डॉक्टर साहब। हकीकत है कि अगर दवा सही तरीके से और सही तरतीब से नहीं ले रहे हैं तो उसका अंजाम भी यही होगा। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे यही था कि रोकथाम का तरीका क्या होना चाहिए? टीबी के रोकथाम का बेस्ट तरीका है टीबी का निदान समय से किया जाए। अच्छा, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि लोग खांसी आती है, बुखार आता है, वजन कम, पहले इधर उधर भागते हैं जी। समझते हैं टीबी नहीं है, टीबी की डायग्नोसिस काफ़ी लेट होती है जी। तो रोकथाम के लिए टीबी की जैसे ही, इसलिए आप देखें ना, अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जी। और वो रोज़ टीवी पर कहते हुए दिख रहे हैं कि 2 हफ्ते की खांसी है तो ये टीबी हो सकती है और इसकी जांच कराइए जी। तो इसके मतलब मैसेज वो बड़ा क्लियर दिया जा रहा है कि देर ना करें डायग्नोसिस में, जैसे ही कहीं सस्पिशन हो रहा है कि ये सब सिम्टम हमारे टीबी की वजह से हो सकते हैं, किसी अस्पताल में जाएं, किसी आजकल सरकारी अस्पतालों में, हर अस्पतालों में चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, टीबी की डायग्नोसिस की सुविधा अवेलेबल है। इवन ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में सारा ट्रीटमेंट फ्री अवेलेबल है, का हर तरह का टीबी का सरकार फ्री दवाई देती है, फ्री इलाज कराती है, फ्री डायग्नोसिस करती है, बस उसका फ़ायदा उठाने की बात है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही किसी इंसान को टीबी का कुछ भी पता लगता है, कुछ भी शंका होता है, तो तुरंत या तो अस्पताल में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी जाएं जहां डॉक्टर से जाके अपनी डायग्नोसिस कराएं। बहुत खूब डॉक्टर साहब। हम ये चाहेंगे खासकर ये बताएं कि जो ट्यूबरक्लोसिस के रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन हमेशा मैंने कहा टीबी की तुरंत हो तो भाई जाँच कराएँ जी। जाँच करने में अगर टीबी कंफर्म हो गया है जी तो टीबी की दवाएं निश्चित अवधि जो भी है जी पूरा करें, दवाई छोड़ छोड़ के ना खाएं जी। हम जानते हैं कभी कभी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जी। तो साइड इफ़ेक्ट्स में अक्सर मैंने देखा है कि मरीज़ दवा छोड़ देता है जी। तो जब भी साइड इफ़ेक्ट्स हों तो उसी डॉक्टर के पास जाएं, उसी अस्पताल में जाएं जहां से दवाई लिखी गई। लोग करते क्या हैं कि जैसे हमने कोई दवाई लिखी और उनको कोई प्रॉब्लम होने लगी तो वो डॉक्टर बदल देते हैं जी। मेरी अपनी राय, डॉक्टर ऐसी स्थिति में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नया डॉक्टर के पास जाएंगे वो नए तरीके से उसको समझेगा, तब फिर उसका शायद वहाँ तक पहुँच पाएगा। जिस डॉक्टर ने इलाज लिखा है वो उसको पहले से ही पता है कि ये हमने ये इलाज लिखा हुआ है, इस इलाज से ये परेशानियाँ हो सकती हैं, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो तुरंत उसका वो समझ लेगा कि यस, ये जो तकलीफ़ हो रही है ये दवा के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो रही है, और उसका वो उचित इंतज़ाम वो डॉक्टर कर लेगा। तो मैं दूसरी सलाह हमेशा कहता हूँ, अगर दवाई से बीच में कोई परेशानी हो रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस डॉक्टर को, लोग अक्सर उसमें डॉक्टर को ही ब्लेम कर देते हैं, डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख दी कि मेरे तो मुँह से खून आने लगा, मेरे को तो बुखार बढ़ गया, मेरे को तो उल्टी आने लगी, मेरी भूख कम हो गई, ये सब दवाओं के नॉन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसको समझने में और जल्दी समझने में बड़ी आसानी होगी। और आखिरी बात यही है कि दवाई को पूरा कराएं, दवाई बीच में किसी भी तरीके से नहीं छोड़ें, नहीं छोड़ पकड़ के जो लोग दवाई करते हैं उसमें बहुत ही भयंकर किस्म की टीबी होती है जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। और इसका इलाज ऐसे मैंने कहा, साधारण टीबी का इलाज 6 महीने है जी। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आप देखें तो कम से कम 2 साल का इलाज है। साधारण टीबी का इलाज अगर आदमी सरकारी तंत्र में नहीं जा रहा है, फ्री का फ़ायदा नहीं उठा रहा है, अगर अपने पैसे से भी इलाज कराना चाहे तो 2-4 हज़ार रुपये में
छः महीने का टीबी का इलाज हो जाता है। और अगर ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी, आपने सुना होगा एमडीआर टीबी बड़ा भयावह है, उसका इलाज 2 साल का होता है, 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। अच्छा। और दवाएं जैसे बहुत साइड इफ़ेक्ट, जैसे बात कर रहा था तो शुरू वाली दवाओं में साइड इफ़ेक्ट कम होता है। अच्छा। और ये बाद वाली जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जो दवाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये भाई, शुरू में डायग्नोस कराएं, इलाज ठीक से खाएं, पूरा खाएं, टीबी 100% ठीक होने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, बकौल आपके अभी आपने जैसे कहा कि अब हम अपनी तरफ से भी कहते हैं गरीब आदमी है जो इलाज के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से टीबी के इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएँ मुहैया की गई हैं? देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब में आपने सुना होगा डॉट्स प्रोग्राम के बारे में। जी, इसको हम रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा। सौभाग्य से मैं कंट्री में मेडिकल कॉलेज के इन्वॉल्वमेंट के लिए जो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम चल रहा है, और मेडिकल कॉलेज में कैसा चल रहा है उसका मैं वाइस चेयरमैन में हूँ नेशनल टास्क फोर्स का, कंट्री का। अच्छा। और मैं 2 साल से हूँ लगभग। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट में टीबी के जाँच की सुविधा, जी, टीबी के इलाज की सुविधा, जी, चाहे वो पल्मोनरी टीबी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, चाहे वो सेंसिटिव टीबी हो, चाहे वो रेजिस्टेंट टीबी हो, जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि एमडीआर, जी, एक्सडीआर टीबी जिसका इलाज बहुत महंगा है, ये सब तरह के टीबी का इलाज गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। छोटे से छोटे अस्पतालों में भी ये प्रोविज़न है। और रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का रूल ही यही है कि मरीज के जो घर, सबसे घर के नज़दीक उसका इलाज उसको पहुंचाया जाए, उसको दिया। और ये प्रोग्राम डॉट्स, आप डॉट्स का क्या मतलब होता है? डॉट्स मींस डायरेक्टली ऑब्जर्व, यानी कि किसी कार्यकर्ता या किसी के प्रेजेंस में वो दवाई देखी जाती है कि मरीज खा रहा है। क्योंकि ये डॉट्स प्रोग्राम इसलिए लाया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीबी के अंदर थी, दवाई आदमी छोड़ देता था। अच्छा। तो ये डॉट्स से लाया गया कि डॉट्स की वजह से दवाई आदमी पूरी करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार पूरा टीबी का हर तरह की डायग्नोसिस, हर तरह का इलाज सब फ्री है। बस मेरी जो जनता से जो मेरी मतलब गुजारिश है कि वो इन अस्पतालों में जा करके इसका फ़ायदा उठाएं और जिससे टीबी उनकी 100% ठीक हो जाए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, हमने आपका बहुत कीमती वक्त लिया है। आपने जैसा बताया कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो होती है, उसमें एक्सडीआर एमडीआर, तो इसके अलावा भी और भी कुछ प्रकार होते हैं इसके? देखिए, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान ने नहीं दिया। अच्छा। भगवान ने तो सेंसिटिव टीबी दी। जी, जब हम दवाएं छोड़ के करते हैं, छोड़ छोड़ के जितनी बार छोड़ेंगे फिर खाएंगे, उसी हिसाब से बैक्टीरिया अपना रास्ता बदल लेता है। अच्छा। और ड्रग रेजिस्ट मेन जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी 2 तरह की होती है, एमडीआर जिसमें जो मेन दवाएं दी जाती हैं उससे रेजिस्टेंस, एमडीआर अगर और आगे बढ़ता है तो उसे हम एक्सडीआर टीबी कहते हैं। और आजकल कुछ केसेस जो है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस का, यानी जितनी दवाएं हमारे पास हैं उन दवाओं के सबसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और उसका मेन कारण मतलब मैन मेड है, ये भगवान ने नहीं दिया इसको। अच्छा। हम खुद दवाई जब ठीक से नहीं लिखते हैं या ठीक से सेवन नहीं करते हैं, दवाओं का मिसयूज़ करते हैं, तो इस तरह की ट्यूबरक्लोसिस होती है। और इस तरह की टीबी के रोकथाम के लिए सबसे बेहतर तरीका है टीबी शुरू में उसकी डायग्नोसिस कर ली जाए, पकड़ ली जाए, और उसका इलाज 6 से 9 महीने के बीच में पूरा इलाज भी हो जाता है, पूरा इलाज कर दिया जाए। तो हम नहीं समझते हैं किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब सही से नहीं हो रही हैं, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी खूब देखने को मिल रहा है। बेशक डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे हमारे खासकर ऑडियंस जिस वक्त टीवी पर मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन के सामने हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनको एक बेहतरीन सा मैसेज दे दें, खासकर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर घर में किसी को, खुदा ना खास्ता घर में किसी को टीवी है, तो 4 आदमी और जो घर में मौजूद हैं तो वो बहुत ज़्यादा उससे दूर भागते हैं। क्या ये छुआछूत का भी कुछ इसमें मसला है, या इससे दूर रहने की बात की गई है, या और भी कोई बात है? तो आप एक मैसेज के जरिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी।
कि लोग डरते बहुत हैं टीबी से। टीबी जैसे मैंने कल ही एक मरीज देखा तो उनके गिल्टियों में टीबी थी जी। तो गिल्टी में टीबी थी तो पता लगा उसके घर वालों ने उसका खाना पीना कमरा सब अलग कर दिया। तो मैंने मरीज रिश्तेदारों से पूछा भाई ये तो गिल्टी में टीबी है, ये तो बंद है अंदर, ये कैसे फैल सकती है। तो टीबी नो डाउट कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, फैलने वाली बीमारी है जी। कि अगर जैसे खासकर वो बीमारी जैसे किसी को हड्डी में है तो वो कहाँ से फैलेगी जी। लेकिन अगर फेफड़े में टीबी है, खांसी के जरिए कीटाणु बाहर आएंगे तो वो बीमारी फैल सकती है। बिल्कुल, इसीलिए लोग कहते हैं भाई कफ एटिकेट, खांसी है तो मुंह पर कपड़ा कम से कम रुमाल रख लीजिए जी। और टीबी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो तभी तक इन्फेक्शियस है जब तक इसका इलाज नहीं हो रहा है। बिल्कुल, दवाएं इतना अच्छी आ गई हैं अब जी कि जैसे ही 15 दिन दवाई टीबी का मरीज खाता है जी तो टीबी के बैक्टीरिया इतने वीक हो जाते हैं जी, किल हो जाते हैं, या जो जिंदा है वो इतने कमजोर बना दिया जाता दवाओं के जरिए कि वो किसी को फैला नहीं सकते। बेशक, तो मैसेज क्या हुआ, टीबी मैसेज बड़ा क्लियर हुआ। अगर इसके फैलने से इसको रोकना है, अक्सर लोग कहते हैं साहब परिवार में एक को हुआ फिर दूसरे को हो गया, हाँ तो यस, अगर उसका डायग्नोसिस लेट हुई, अगर उसका इलाज नहीं सही हुआ तो वो दूसरे तीसरे को फैल सकता है। अक्सर लखनऊ के घरों में देखिए एक एक घरों में दो दो तीन तीन लोगों को टीबी, बिल्कुल सही कहा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती तो की है। तो इसलिए अगर इसको रोकथाम करना है कि दूसरे को ना फैले तो इसका निदान तुरंत तुरंत इलाज, पूरा इलाज, पक्का इलाज करें जिससे कि इसके रोकथाम को भी, इसके जो बढ़ने के रोकथाम को दूसरे में ना फैलने पाए तो उसको बिल्कुल 100% रोका जा सकता है। मेरा मैसेज टीबी के मरीजों का 2-3 है। अक्सर हमने देखा है 40 सालों में जो मैंने महसूस किया है जी, कि टीबी से लोग बहुत डरते हैं जी। टीबी जैसे मैंने स्वयं बताया डरने वाली बीमारी नहीं है, ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है जी। पहला बहुत क्लियर मैसेज, 100% ठीक कैसे होगा, जैसे टीबी का कुछ सिम्टम्स आवे आप तुरंत अस्पताल या डॉक्टर जहाँ भी जाना चाहते हैं जाके इसका निदान कराएं, और जो डॉक्टर 6 से 9 महीने का दवाई शुरू में लिख बताता है उस दवाई को पूरा करें, और कोई दवाई से नुकसान या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप दवाई को मत रोकें, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको उचित सलाह देगा और दवाई आपकी पूरी कराएगा। इस तरह अगर आप पूरी करते हैं दवाई तो मैं कह सकता हूँ कोई डरने वाला रोग नहीं है, 100% ठीक होने वाला रोग है। और मैं ये बात किसी किताबों से नहीं कह रहा हूँ कि मैं किताब से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल में लाखों रोगियों का इसी तरह से इलाज करके मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और नाज़रीन, मुसलसल आपको डॉक्टर साहब ने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के सिलसिले से एक बेहतरीन राय दी। हकीकत में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले से कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुसलसल इलाज कीजिए, हम तो डॉक्टर साहब यूँ कहना चाहेंगे कि चाहे वो टीबी हो या फिर कैंसर ही जैसी क्यों ना बड़ी बीमारी हो, एक फेथ होता है, एक अकीदा होता है, यानी अगर आप उस फेथ और उस अकीदे के साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपना सही तरीके से इलाज कीजिए तो तभी आप बेहतरीन तरीके से सेहतमंद हो सकते हैं। और रही बात डॉक्टर साहब खांसने की, और छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से भी एक मैसेज देना चाहूँगा एक एंकर की हैसियत से, कि आप अगर बाहर रहते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो घर जाइए तो हाथों को सही तरीके से धोइए, और किसी भी तरह की कोई भी आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि कपड़ों में भी डस्ट होती है, आप अगर हाइजीनिक होंगे, इस्तेमाल करेंगे सही चीज़ों का, घर में जाने से पहले आप स्लीपर्स बाहर उतारें, यानी घर के अंदर जब मौजूद हों तो आप पूरा एक एडिकेट्स एक मैनर्स होते हैं, अगर खांसी है तो मुंह पर रुमाल रख के खांसी है, ये सब चीज़ें करेंगे तो यकीनन टीबी तो बहुत ही बड़ी बीमारी जिस तरीके डॉक्टर साहब ने कहा नहीं है, या कैंसर भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है अगर हम अपने तरीके से जीने का ढंग बदल दें। डॉक्टर साहब बस यहीं पर मैं ये प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा और आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ कि हकीकत में आपने कितने लोगों को जागरूक कर दिया। जो लोग इस वक्त ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं और जो परेशान हैं, आज उनके अंदर जीने की एक नई उमंग पैदा हुई होगी और वो यकीनन
आपके पास तो आएंगे ही, और भी जो ट्यूबरकुलोसिस के डॉक्टर हैं उनसे भी सही राय लेंगे। तो फिलहाल नाज़रीन हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होते हैं एक और नए मौजू के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और एक अच्छा इलाज कीजिए। खुदा हाफिज़।